स्टूडेंट्स, आई एम रूपेंद्र एंड आई एम योर ई पेडागॉग फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फर्स्ट, दैट इज शेप्स एंड स्पेस। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज, दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज दिस वर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड? आपने सुना होगा समथिंग इज इनसाइड अनदर थिंग, राइट, एंड समथिंग इज आउटसाइड। तो क्या मतलब होता है इन दोनों वर्ड्स का और ये कैसे हम यूज कर सकते हैं? सो हम एक स्टोरी से सीखते हैं, राइट? सो एक स्टोरी दी हुई है और ये क्या बना है, इसको आपने कभी देखा है? इट्स अ कैमल। सो हैव यू एवर सीन अ कैमल इन रियलिटी? देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो मैं यहां आपको दिखा सकता हूं। दिस इज अ कैमल, राइट? एंड डू यू नो अबाउट द अरब पीपल? द अरब्स, अरब मीन्स द पीपल हु लिव्स इन द कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज, राइट? जो अरेबियन कंट्रीज में रहते हैं उन्हें हम अरब बोलते हैं, राइट? लाइक वी आर इंडियंस, तो द पीपल हु लिव्स इन अरेबियन कंट्रीज आर कॉल्ड अरब। सो द स्टोरी इज बेस्ड अपॉन अरब एंड अ कैमल। सो द अरब एंड हिज कैमल। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल बैक। तो क्या था, ठंड का मौसम था, है ना, कोल्ड विंटर डेज। तो अरब अपने कैमल की बैक पे बैठ कर ट्रेवल कर रहे थे, राइट? देन एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। तो अरब ने, जब रात हो गई तो रुकते हैं और अपने टेंट को सेटल किया, राइट? पिच्ड हिज टेंट मींस सेटल किया, उसको ओपन करके प्रॉपर तरीके से रखा, राइट? देन द कैमल वॉज आउटसाइड, तो वो इनसाइड बैठ गया उस टेंट के, अरब, एंड द कैमल वॉज आउटसाइड लाइक इट इज शोन इन द पिक्चर। तो मींस क्या हुआ, इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मींस बाहर, सिंपल है बच्चों। सो द कैमल इज सेइंग, मे आई पुट माय नेक इनसाइड? सो कैमल अगर बाहर बैठा है एंड द विंटर डेज आर देयर, सो उसको ठंड लग रही होगी, राइट? सो जब ठंड लगती है तो उसने बोला मे आई पुट माय नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी गर्दन को अंदर कर सकता हूँ? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, सो द वर्ड्स आर इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट? तो नेक इनसाइड मतलब क्या मैं अपनी गर्दन को अंदर रख सकता हूँ, अंदर कर सकता हूँ उस टेंट के, एंड इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, सो बाहर बहुत सर्दी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ रहा है कब आपको इनसाइड और आउटसाइड वर्ड्स यूज करने हैं, राइट? सो द अरब इज सेइंग, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, आप अपनी गर्दन अंदर रख सकते हो। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, मीन्स वॉट? उसने, कैमल ने बोला अरब से कि क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स को अंदर कर सकता हूँ, टेंट के अंदर ला सकता हूँ, बिकॉज इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। तो वो कैमल बहुत चालाक लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना बच्चों? तो वो धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सो द अरब सेड, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, है ना, आप अपने फ्रंट लेग्स को अंदर ला सकते हो। तो धीरे धीरे वो अंदर बढ़ता जा रहा है और आप साथ साथ में ध्यान देते जाओ बच्चों, इनसाइड एंड आउटसाइड वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, अब तो वो पूरा का पूरा अंदर आने की कोशिश कर रहा है टेंट के, राइट? सो द अरब सेड, ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए टेंट तो बहुत छोटा है, तुम अंदर कैसे आ सकते हो, है ना? क्या हुआ, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। फाइनली कैमल सेड कि मैं अंदर आ जाता हूं, तुम बाहर चले जाओ। और कैमल इस तरह से अपनी चालाकी से अंदर बैठ गया आके टेंट के, और द अरब इज सिटिंग आउटसाइड। सो दीज आर द वर्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड, जिनका यहाँ पे आपको यूज बताया है, राइट? तो टेंट के अंदर मींस इनसाइड, और टेंट के बाहर यहाँ पे यूज हो रहा है तो मींस द अरब इज सिटिंग आउटसाइड। नाउ और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं बच्चों, लाइक इफ यू पुट सम कैंडीज, आपके पास कैंडीज होंगी और एक बाउल ले लो, राइट, एंड पुट दोज कैंडीज इन द बाउल लाइक दिस, है ना? सो नाउ द कैंडीज आर इनसाइड द बाउल, एंड इफ यू कीप इट आउटसाइड, है ना, कैंडीज को अगर आप बाहर निकाल के रख देते हो तो द कैंडीज आर आउटसाइड द बाउल। सो इस टाइप से हम बहुत सारी चीजों में इनसाइड और आउटसाइड वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। So our next topic is bigger and smaller. These are the two words which are used for comparison, right? So आपने सुना होगा, पढ़ा होगा big
एंड स्मॉल. सो स्मॉल मीन्स छोटा एंड बिग मीन्स बड़ा. सो वॉट इज दिस बिगर एंड स्मॉलर? ई आर लगाने के बाद क्या होता है? सो दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज फॉर कंपेरिजन. अब एक बात बताओ बच्चों, आप अगर दो चीज़ें हैं और एक बड़ी है दूसरी छोटी है, तो आप क्या बोलोगे इसको? जो छोटी है उसको बोलोगे दैट इज स्मॉलर दैन दिस. लाइक देर, यहाँ पे एग्जाम्पल है, देर आर टू एनिमल्स, ये हिप्पोपोटामस एंड अ पपी इज देयर, राइट? सो विच वन इज बिगर? विच वन इज बिगर? ठीक है, तो कौन सा होगा? टिक द बिगर वन, दिस इज बिगर. तो यहाँ पे इन दोनों में कंपेरिजन दिया हुआ है. सो द वर्ड्स बिगर इज यूज हियर, राइट? और अगर सिर्फ एक ही, लाइक जो बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक एलिफेंट, तो उसको आप क्या बोलोगे? द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. एंड बिगर वर्ड दो चीजों का कंपैरिजन में यूज होता है. सिमिलरली स्मॉलर ऑल्सो, है ना, स्मॉलर भी ऐसे ही यूज होता है. तो यहाँ पे दो लीव्स दिए हैं, है ना, ट्री की लीव्स है, एक छोटी है एक थोड़ी सी उससे बड़ी है, राइट? सो विच इज स्मॉलर? टेक द स्मॉलर वन, दिस इज स्मॉलर वन, राइट? एंड अगेन द टू एनिमल्स आर देयर, तो टेक द स्मॉलर वन, दिस इज स्मॉलर, राइट? ये स्क्वेरल है और ये काउ, राइट? द स्क्वेरल इज स्मॉलर देन काउ. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. टेक द स्मॉलर टायर, सो द टू टायर्स आर गिवन, एक बड़ा टायर है और एक उससे छोटा है. सो वी हैव टू टेक दिस वन, राइट? दिस इज स्मॉलर टायर. सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट पेज. एंड नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? अगेन नाउ द वर्ड्स आर डिफरेंट, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. EST लगा है बिग और स्मॉल के आगे, राइट? सो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ा और सबसे छोटा. इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा. सो ये कब कंपैरिजन में यूज किया जाता है? जब मोर देन टू थिंग्स आर गिवन. लाइक यहाँ पे देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल में तीन ट्री दिए हैं. अगर यहाँ पे बिगर या स्मॉलर का यूज करेंगे, सो दिस ट्री इज स्मॉलर देन दिस, एंड अगेन दिस ट्री, फर्स्ट ट्री इज स्मॉलर देन दिस. सो इफ वी हैव टू फाइंड कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा के लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉलेस्ट. या सबसे बड़े के लिए क्या यूज करेंगे? बिगेस्ट, राइट? क्लियर है आपको? सो वी हैव टू फाइंड, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री. तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? दिस वन. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ट्री. क्लियर? नेक्स्ट, टिक द बिगेस्ट एनिमल. नाउ द थ्री एनिमल्स आर गिवन, है ना, इनमें बिगेस्ट कौन सा होगा? सबसे बड़ा एनिमल, दैट इज दिस एलिफेंट, है ना, ये सबसे बड़ा है. सो आपको समझ आया बिगर स्मॉलर एंड बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कब यूज करते हैं? क्लियर? नेक्स्ट इज टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट. नाउ द थ्री फ्रूट्स आर गिवन. सबसे छोटा कौन सा है? दिस वन, राइट? दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट. एंड टिक द बिगेस्ट बबल. तो यहाँ पे बहुत सारे चार पांच बबल्स हैं, तो इनमें सबसे बड़ा बबल कौन सा है? दिस वन, राइट? दिस इज द स्मॉलेस्ट बबल. नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एंड यहाँ पे क्या क्या बना है? टॉप एंड बॉटम. सो न्यू वर्ड्स आर देयर. टॉप एंड बॉटम, आपने सुना होगा समथिंग इज एट द टॉप ऑफ अनदर थिंग, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द बर्ड इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री. इस पेड़ के ऊपर है, राइट? टॉप पे है, है ना? लाइक एक और सेंटेंस में बोलता हूँ, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द रूफ, है ना, एक लड़का छत के ऊपर खड़ा है, एट द टॉप ऑफ द रूफ. क्लियर? सो टॉप कब यूज करते हैं? जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज होती है, राइट? एंड बॉटम कब यूज करते हैं? लाइक दिस कैट इज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द ट्री. पेड़ के नीचे है. सो टॉप मीन्स ऊपर एंड बॉटम मीन्स नीचे, राइट? सो यहां पे ये वर्ड्स, द बॉय इज सिटिंग एट द टॉप, तो ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है. क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं. नाउ एक्सरसाइज देखते हैं. टिक द टॉप, टिक द पॉट ऑन द टॉप. विच पॉट इज ऑन द टॉप? अब ये तीन पॉट है यहाँ पे, टॉप पे कौन सा है? दिस वन, यही तो टॉप पे है, राइट? सो इसको टिक कर दिया मैंने. नेक्स्ट, टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. सो एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, सो दिस एनिमल इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, है ना, एंड दिस इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स. तो ये टॉप की पोजिशन है और ये स्टेयर्स के नीचे है, राइट? सो दिस इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. और यहां क्या है? नियरर एंड फार्दर. नियर मीन्स पास, फार्दर मीन्स दूर, राइट? सो
दिस इज ऑल्सो अगेन कंपेरिजन, यहाँ पे भी कंपेरिजन होता है, कोई चीज आपके पास है तो आपको क्या यूज करना है, नियरर। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है, राइट। सो टेक द बर्ड नियरर टू होम, ये होम है, इसके पास दो वर्ड्स हैं, राइट, दो बर्ड्स आर देयर, दो चिड़िया उड़ रही हैं। सो पास में कौन सी है, नियरर वन कौन सी है, दिस इज नियरर टू द होम, है ना, पास में जो चीज होती है। नेक्स्ट, पिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, सो इस ट्री से यहां पे दो कैट्स हैं, राइट, दिस वन एंड दिस वन, सो कौन सी दूर है, ये इस पत्थर के पीछे छुपी हुई है, सो दिस कैट इज फार्दर फ्रॉम द ट्री, दूर है उस पेड़ से, राइट। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और क्या वर्ड्स गिवन है, यहां पे नियरेस्ट एंड फार्देस्ट, अगेन आपने नियरर एंड फार्दर पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो नियरेस्ट एंड फार्देस्ट, अगेन अगर तीन चार चीजें दी हुई हैं, लाइक ये एग्जांपल देखो आप, यहां पे चार पपीज दिए हुए हैं, है ना, अब अगर नियरर या फार्दर बोलूंगा तो कौन सा, ये सेकंड नंबर का पपी बताओ आप, पेड़ से नियर होगा, नियरर होगा या फार्दर होगा, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट बच्चों, तो आपको समझना होगा ये वर्ड्स कब यूज करते हैं, जब सबसे दूर और सबसे पास, नियरेस्ट मींस सबसे पास, फार्देस्ट मींस सबसे दूर, क्लियर। सो अगर इसी एग्जांपल को पहले मैं लेता हूं, टेक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, सो विच पपी इज फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, इन चारों में सबसे दूर कौन सा है, दिस वन लास्ट वन, राइट, सो दिस इज फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, एंड इस केस में अब ये एग्जांपल दिया है फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, ये स्विंग है, झूला है, तीन बच्चे खेल रहे हैं ना, तीन चिल्ड्रन आर देयर, थ्री, राइट, सो दिस इज नियरेस्ट टू द स्विंग, ये बॉय नियरेस्ट है, सबसे पास है, एंड द गर्ल इज फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, और ये वाली गर्ल ना तो ये नियरेस्ट है ना ये फार्देस्ट है, राइट, सो सबसे पास ये है और सबसे दूर ये है, तो जब कंपेरिजन दो से ज्यादा चीजों में होता है तो हम फार्देस्ट और नियरेस्ट का यूज करते हैं, ई एस टी लगा देते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चंस यहां पे दिए हैं, टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, तो ये बर्ड है, इसके पास में सबसे नियरेस्ट कौन सा ट्री है, दिस वन, फर्स्ट वन, दिस इज द ट्री विच इज नियरेस्ट टू द बर्ड, राइट। सो आप इनका यूज अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हो, राइट, जैसे आप अभी जहां बैठे हो, वॉट इज द थिंग विच इज नियरेस्ट टू यू, आपके सबसे पास क्या रखा हुआ है, Either it can be your book, table, pen, and which is the thing which is farthest from you? सबसे दूर क्या है आपसे? It can be your door या कुछ और study table हो सकती है आपसे दूर रखी हो, right? So आप imagine करो अपने room को चारों तरफ देखो और which is nearest and which are the things farthest from you? आपसे दूर कौन सी चीजें हैं, right? आगे बढ़ते हैं next page पे।